पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अहमदाबाद में श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजना श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना के अंतर्गत श्रमिक दिवस के अवसर पर रविवार को अहमदाबाद से 44 श्रमिकों और उनके परिवारों को बसों से रवाना किया गया। बसों को हरी झंडी उप श्रम आयुक्त पीके सिंह के द्वारा रवाना किया गया। उप श्रम आयुक्त पीके सिंह द्वारा बताया गया कि श्रम कल्याण परिषद की ओर से योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें एक योजना श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना है। दरअसल श्रमिकों को लगातार कार्य करने से उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है, श्रमिकों को आगे भी यात्रा कराई जाएगी। श्रम कार्ड वार्ड हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग, सब लोग एसी बस लगा रखी है और सारी खाने की व्यवस्था है और सुविधा बहुत अच्छी है, ऐसी कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम बहुत ही खुश हैं, हमारे लिए जो सरकार कर रही है वो बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर सरकार हमने ना देखी तो देखेंगे कभी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम हरिद्वार, वहाँ पर यात्रा करेंगे, मनसा देवी चंडी देवी घर की पेड़ी पे नहाएंगे धोएंगे मस्ती करेंगे। इससे ज़्यादा खुशी क्या बात बाबा जी, मतलब इतनी सुविधा दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए, मतलब जो यात्रा करा रहे हैं हरिद्वार निला रहे हैं। हाँ, कच्छ में खाना पीना सभी कुछ है, आप लोग खुश हैं? श्रम विभाग ने आपकी व्यवस्था की अच्छी? हाँ, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है, बस अच्छी खाने पीने वी आई पी आम नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ है इसके अंदर। जी सर, आज हमारे जो ये श्रमिक भाई हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रम कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से एक श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा के अंतर्गत 44 श्रमिकों परिवारों को यहाँ मुरादाबाद से हरिद्वार और ऋषिकेश के तीर्थ यात्रा पर ले जाया जा रहा है। इसमें इनके परिवार के पत्नी बच्चे माता पिता इन सबको शामिल करते हुए सभी लोग हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे कितने प्रोत्साहित हैं और श्रमिकों में कितना उमंग और उल्लास है। तो इस तरह का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगभग सभी मंडलों में किया जा रहा है। मुरादाबाद में हम लोगों ने एक बस यहाँ से ये भेजने का प्रबंध किया है कि जो रोडवेज से है और ये सुबह आज जाएगी 7 बजे रवाना होकर के, वहाँ पे हरिद्वार में तमाम जो दर्शनीय स्थल हैं उनका दर्शन कराते हुए, गंगा स्नान कराते हुए, गंगा आरती करा के ऋषिकेश में इसी तरह का कार्यक्रम करते हुए देर शाम तक वापस आएगी। सर, मुरादाबाद जनपद में कितने श्रमिक होंगे जो श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? ये जो श्रम कल्याण परिषद है, ये जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री और आपके शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं प्रतिष्ठान, उसमें कार्यरत श्रमिकों के लिए ही योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम होता है। जैसा आपने कहा कितने श्रमिक होंगे, तो यहाँ विभिन्न श्रेणी के बहुत श्रमिक हैं जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रूप में काम कर रहे हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। निर्माण श्रमिक के रूप में लगभग 4 लाख से भी अधिक यहाँ पे पंजीकृत हैं और कई हजारों को उनको विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।